अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ यासू। आप सब मुझे जानते ही हो, मैं YouTube के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। मैं आपसे आज ऐसे वीडियो बना के जो आपके सामने आया हूँ आपसे बातें करने, और आपको कुछ खास बातें बोलने आया हूँ, तो इसलिए मेरे YouTube चैनल पे बने रहो और ये वीडियो प्लीज़ पूरा देखना। जो भाई सब्सक्राइबर नहीं है वो सब्सक्राइब करे, और कमेंट में मुझे बताएं कि कौन सी चीज़ है जो मुझे आगे लाइफ के अंदर करनी चाहिए ऐसे YouTube पे, तो वो मुझे कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें, और जो हेट करते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, ये वीडियो आप पूरे देखें। और जो लव करते हैं वो तो जिगर लगते हैं, वो पूरा वीडियो ही देखेंगे, लेकिन जो हेट करते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ये वीडियो पूरा देख के जाना। तो आज आपको मैं बताता हूं मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाता हूं, आज फर्स्ट टाइम है, इसलिए बहुत मुश्किल होते हैं ये वीडियो बनाने यार। नहीं तो आज जो मेन चीज़ है, जो वजह है आज ये वीडियो बनाने की, वो ये है कि मेरे 50K व्यूज़ कंप्लीट हुए हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। जो YouTube का जो टारगेट होता है वो 4K होता है, 4K व्यूज़ होने चाहिए, लेकिन मेरे पास जो है वो 50K व्यूज़ हैं। तो ये 50K व्यूज़ मुझे सिर्फ 4 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हुए थे, 4 महीने के अंदर ही हो गए थे। एक साल इसका जो होता है टारगेट, एक साल के अंदर आपको करना पड़ता है, तो मुझे सिर्फ 4 महीनों के अंदर ये हो गए थे, 50K व्यूज़ हो गए थे। और जो 4K व्यूज़ है वो बहुत जल्द हो गए थे, मुझे लगता है कुछ 1 महीना लगा था, शायद 1 महीने के अंदर मेरा ये टारगेट जो है कंप्लीट हो गया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि मेरे जो जो मेरा यूट्यूब चैनल है ये कब बना था। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, जैसे कि आप जानते हो ये मेरे चैनल का नेम है, क्लोजली यहाँ से आपको दिखेगा, ये लाइट पड़ती है ज़्यादा, स्टार यासिर स्किन मेरे चैनल का नेम है ये। काफ़ी लोगों को नहीं पता कि मेरे चैनल का नेम क्या है, तो ये नाम है मेरे चैनल का, स्टार यासिर स्किना। तो अगर मैं अपने चैनल के अबाउट में जाता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है 59,646 जो मेरे व्यूज़ हुए हैं मेरे चैनल पे। तो ये हमने जो ज्वाइन किया था 20 मई 2021 को ये चैनल मैंने क्रिएट किया था। तो मेरे चैनल के अबाउट में एक ख़ास चीज़ लिखी हुई है, जो कि काफ़ी समझदार लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये क्या होता है। हम बंदे हैं उसके, हम पर किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपनी किस्मत खुद के हाथों लिखने चले हैं हम। तो ये एक जो है मोटिवेट करता है इंसान को, जो ये मैंने अपने चैनल के अबाउट में लिखा है। मैं यहाँ पर आपको आपकी सपोर्ट नहीं मांग रहा, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप सपोर्ट करें ज़्यादा, ये यहाँ पे नहीं कह रहा कमेंट करें लाइक। ये एक जो मैंने यहाँ पे ये लाइन लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये वीडियोस क्यों बनाता हूँ, जो ये मेन चीज़ है मेरी वीडियोस बनाने की। स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियोस बनाए थे, वो बनाए थे मैंने 2020 के मार्च में शुरू किए थे मैंने ये वीडियोज़ बनाने। फिर माह रमज़ान के महीने में हम वीडियो नहीं बनाते हैं, इस साल भी माह रमज़ान के बाद हमने वीडियो बनाने शुरू किए। तो उस साल में जो हमने वीडियो बनाए वो हम डांसिंग वीडियो बनाते थे और इन्जॉय करते थे, सिर्फ हमें कोई टारगेट नहीं था। हम टिकटॉक पे वीडियो अपलोड करते थे, जब टिकटॉक बैन हुआ तो फिर हमने सोचा हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। तो वो डांसिंग वीडियो जो है वो जस्ट किडिंग, हम ऐसे ही बनाते थे, उसका कोई मेन वजह नहीं थी, एंजॉय करते थे। तो उसके बाद जब ये वाला चैनल जो मैंने क्रिएट किया है, ये बहुत ज़रूरी है समझना सबके लिए। काफ़ी लोग इस चीज़ को देख के मुझे गलत समझते हैं, मैं ये वीडियोज़ क्यों बनाता हूँ, इसका मकसद क्या है। जब हमने माह रमज़ान के बाद शुरू किए ये वीडियोज़ बनाने, हम अपनी मूवीज़, सबसे पहले हमने ब्राउन मुंडे सॉन्ग का जो है वो रिएक्शन किया था, उस पर हमने वीडियोस बनाए थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सबको, सबका तो नहीं कह सकता लेकिन काफ़ी लोगों को वीडियोस बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद हमने मेरा प्यार फिल्म बनाई जो कि 7-8 मिनट की है। उसके बाद हमने हाफ लव बनाई, जुल्म बनाई 2011 जो कि मेरी लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा, वो मैंने अपनी लाइफ के ऊपर बनाई हुई है, तो वो वाली फिल्म बनाई हमने 2011। उसके बाद हमने ये बंद कर दी और शॉर्ट वीडियोस बनाने लगे। देखिए लोग समझते नहीं हैं इस चीज़ को कि हम ये क्यों बनाते हैं। मेन चीज़ ये है, जहाँ तक मुझे लगता है, अगर मैं गुजर लड़का नहीं होता, क्योंकि मैं गुजर हूँ और मैं इस चीज़ पे प्राउड करता हूँ कि आई एम प्राउड टू बी ए गुजर, कि मैं गुजर लड़का हूँ। और अगर मुझे लगता है अगर मैं शायद गुजर ना होता तो आज तक मुझे लगता है मैं एक बहुत आगे गया होता इस चीज़ में, क्योंकि हम जो लोग हैं हम सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं साफ इस चीज़ को कहता हूँ, मेरे जो है इस वक्त सब्सक्राइबर जो है मेरे पास, जो मेरे इस वक्त सब्सक्राइबर है ना, वो हैं 474। क्लोजली आप इसको देखो, 474 सब्सक्राइबर हैं, और उसका
लगभग 50% भी जो है वो अपने नहीं है। ये मैं आपको बताता हूँ कि 50% लोग भी इसमें नहीं है जो मेरे अपने हों, अपनी कैटेगरी के हों, या फिर अपने लोग, अपनी जो जिन जिन पे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं वो तो अपने लोग होते हैं जिन पे इंसान उम्मीद रखता है। जो ये बाकी जो सब्सक्राइबर हैं, मैं आपको बताता हूँ कि सब्सक्राइबर जो मुझे मिले हैं इसमें, ये सिर्फ फ्रेंड्स हैं मेरे, और आउट ऑफ स्टेट ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं इसमें। हम जो ये शॉर्ट वीडियोज़ बनाते हैं ये एक टैलेंट है। देखिए, सबसे पहले जब मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाता था तो मेरे साथ एक बाहर का एक लड़का टिकटॉक पे वीडियो बनाता था, तो आज वो एक बहुत बड़ा स्टार है, रोहित उसका नाम है, मैं उसके वीडियो ज़्यादा देखता हूँ, रोहित नाम है उसका। वो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियोस बनाता है, एटीट्यूड भी होते हैं, फ़नी भी, बहुत सारी वीडियो जैसे हम बनाते हैं ऐसी वीडियोस बनाता है। तो आज वो रैंकिंग में, मतलब होल इंडिया की रैंकिंग में अगर देखा जाए वो शॉर्ट वीडियोज़ में वो दूसरे या तीसरे नंबर पर, मतलब इतनी ज़्यादा उसको सपोर्ट है। हम साथ में ही वीडियो बनाने लगे थे टिकटॉक पे, वो लड़का भी। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना वो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आज ये वीडियोस मैं इसलिए बना रहा हूँ, देखो इस वक्त नाइट है, मैं डे को काम पे होता हूँ, तो जो जिस लाइट के सामने, रिंग लाइट के सामने हम वीडियोज़ बनाते हैं, ये सब हम अपने लाते हैं, अपना स्टैंड रखा है, अपने फ़ोन में बनाते हैं, एडिटिंग में खुद करता हूँ अपनी वीडियोज़ की। तो हम दोस्तों की जो मेन चीज़ है ना, इसका मिशन जो हमारा है वो यही है कि हम अपनी कौम का जो है नाम रोशन करें। देखिए, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, जम्मू कश्मीर में हम रहते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करें, जो गुज्जर बकरवाल लोग हैं हमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, हमें बाहर में मतलब उस नज़र से नहीं देखा जाता है जैसे बाकी लोगों को देखा जाता है, हमें नहीं देखा जाता है, ये एक मेन चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ, देखें, अगर मैं कुछ बन जाऊँगा ना, ये सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे गाँव का नाम जो है रोशन होगा, मैं अकेला नहीं हूँ इसमें यार। पैसे कमाने का शौक़ नहीं है मुझे, स्टार्टिंग से ही लाइफ के अंदर पैसे की शौक़ नहीं पड़ी कभी, ना मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास पैसे होने चाहिए। देखिए, बड़ा आदमी सब बनना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनने की तो शौक़ है, लेकिन अमीर आदमी बन जाऊँ इसकी शौक़ नहीं है मुझे। अपनी लाइफ के अंदर जब इंसान कुछ सोचता है, कुछ करने की हिम्मत होनी चाहिए। स्टडी भी हम कर रहे हैं और अल्लाह का फजल अच्छे चल रही है, दिन को हम काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम खुद को स्टार समझ के बैठ जाते हैं घर में। अभी बहुत टाइम है, बहुत स्ट्रगल करना है, बहुत कोशिश करनी है, अभी बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट करने हैं हमें। तो सोचता ये हूँ मैं अपनी लाइफ के अंदर कि कुछ बन के जाऊँ। देखिए, सब इंसान जो इस दुनिया में आए हैं एक ना एक दिन तो मरना है, लेकिन उस मरने का क्या फ़ायदा है यार। जब बंदा आया 40-50 साल इस दुनिया में रहा, कुछ नाम नहीं कमाया, उसकी कहीं पहचान नहीं है, उसको लोग जानते ही नहीं है, ना उसने अपनी कौम के लिए, ना घर के लिए, किसी के लिए कुछ किया ही नहीं, जस्ट आए और गए। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी। जहाँ तक सवाल रहा मेरी वीडियोज़ का, तो मेरी वीडियोज़ काफ़ी लोग जो है वो सीरियस लेते हैं, उनको मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ जो ये सोचते हैं कि यासर हमारे खिलाफ बनाता है वीडियो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं 2020 में भी बनाता था, 21 में भी बनाता हूँ, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आगे भी ऐसे स्ट्रगल करता रहूँगा जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं होता। तो मैं किसी को टारगेट रख के वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, ना मुझे इस चीज़ की लोड़ है कि मैं किसी को टारगेट रख के वीडियोज़ बनाऊँगा। एटीट्यूड की जहाँ तक बात है, एटीट्यूड वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों को एटीट्यूड वीडियोज़ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मैं खुद भी एटीट्यूड वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि उसमें एडिटिंग अच्छे से होती है। तो ये वीडियोज़ जो हम बनाते हैं, ये यही एक टारगेट है कि हम अपने कौम का नाम रोशन करें। मेरा इसके अलावा कोई टारगेट नहीं है, ना मुझे पैसों की लोड़ है, ना मैं ये चाहता हूँ कि मैं अमीर इंसान बनूँ। मैंने पहले ही कहा कि बड़ा आदमी बनने की शौक मुझे स्टार्टिंग से ही है, अमीर बनने की शौक नहीं है। काफ़ी सवाल जो है मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि हम जो पहले मूवीज़ बनाते थे वो क्यों नहीं बनाते। देखो भाई, तीन वजह हैं हम मूवीज़ क्यों नहीं बनाते। फर्स्ट जो वजह है कि कोई समझता नहीं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये बात है कि मजाक समझते हैं लोग, इसलिए हम अब उतनी ज़्यादा मूवीज़ नहीं बनाते हैं, सिर्फ हमने 4 मूवीज़ बनाई थी। और नंबर 2 जो वजह है उसमें कि क्यों नहीं बनाते, उसमें दूसरे नंबर पे जो बात आती है वो ये आती है कि हमें सपोर्ट नहीं है। पहले तो लोग समझते ही नहीं हैं, फिर दूसरी वजह जो है वो हमें सपोर्ट ही नहीं करते हैं, और तीसरी वजह जो है वो ये है कि हमारे पास वक्त नहीं है, इतना वक्त नहीं मिलता कि हम फ्री रहें पूरा दिन और जाके वीडियोज़ बनाएं। उसमें 1-2 दिन लगते थे शूट करने में, फिर 1 हफ्ता लगता था मुझे एडिटिंग करने में। मैं नाइट को एडिटिंग करता था क्योंकि दिन को टाइम नहीं मिलता, नाइट को एडिटिंग करनी पड़ती थी, उसको फुल नाइट जागना पड़ता था, तो आज टाइम नहीं होता है, दिन पे काम पे होते हैं, अगर फुल नाइट जागेंगे तो दिन को काम पे कैसे जाएंगे। तो ये एक चीज़ है, इसलिए हम नहीं बनाते, और इंशाल्लाह आगे सोचा है तो फिर से बनाना शुरू शायद करेंगे हम। तो दूसरी बात यह है, जो मैं शॉर्ट वीडियोज़ बनाता हूँ, इस पर स्टार कैसे बनता है। तो देखिए, इस पर स्टार कैसे है, जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे ना। काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि कैसे, हाउ, तो उसका जवाब सुने आप। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरी वीडियोस हैं, जो यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं उनके लिए जो है 3 स्टेप ज़रूरी होते हैं। ये 3 जो है उनको मिशन दिए जाते हैं यूट्यूबर्स को कि ये मिशन आप कंप्लीट करें।
फर्स्ट मिशन जो होता है 1000 सब्सक्राइबर होना, आपके यूट्यूब चैनल पे एक साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, 4000 वॉच टाइम होना चाहिए, 4000 घंटे मतलब 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे ऐसे काउंट करके 4000 घंटे तक आपके वीडियोज़ देखे होने चाहिए, आपके वीडियोज़ को 4000 घंटे तक लोग देखें। और जो तीसरा टारगेट होता है वो होता है 4000 व्यूज़। इनमें से जो एक मिशन जो है मैंने कंप्लीट किया है वो व्यूज़ का है। व्यूज़ मेरे इसलिए ज़्यादा है, मेरे शॉर्ट वीडियो जो है वो बहुत ट्रेंडिंग में जाते हैं, 10 दिन 20 दिन के बाद जो है मेरा वीडियो कोई ना कोई वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जाता है और 2-3 दिन तक ट्रेंडिंग में रहता है और मेरे व्यूज़ जो है वो ग्रो हो जाते हैं बहुत जल्दी। शॉर्ट वीडियो जो हम बनाते हैं ये ग्रो जल्दी करते हैं और ट्रेंडिंग में भी आते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा मुझे व्यूज़ मिले हैं। जो सब्सक्राइबर की जहाँ तक बात है, घर में जाके तो नहीं बोल सकता यार सब्सक्राइब कर दो, या फिर किसी को फ़ोन करके तो नहीं बोल सकता यार मुझे सब्सक्राइब करो, नए चीज़ को मैं पसंद करता हूँ कि ज़बरदस्ती कहो नहीं यार करो ही करो, जो सपोर्ट करना चाहेगा वो करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और वो करते भी हैं, मेरे दोस्त हैं काफ़ी और बाकी गाँव के लोग हैं, बाकी जगहों के लोग हैं जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ, फेसबुक पे फ्रेंडशिप है उनके साथ मेरी, तो वो वहाँ पे मुझे सपोर्ट करते हैं, उन सब का मैं दिल से थैंकफुल हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। जो ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी सब्सक्राइबर मेरे ये वीडियो देख रहे हैं सबको नोटिफिकेशन गई होगी, तो मैं सबको दिल से थैंकफुल हूँ और दिल से बोलता हूँ कि थैंक यू, लव यू ऑल गाइज, आपने इतनी सपोर्ट की, इतने सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, चाहे वो किसी के लिए बड़ी बात नहीं होगी कि 50,000 व्यूज़ होने या फिर 500 के आसपास सब्सक्राइबर होने की कोई बड़ी बात है, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है इतनी सी उम्र में या फिर ऐसी कंडीशंस में, मैं कहूँगा कि ऐसी कंडीशन में जहाँ पे हमें कुछ पूछता ही नहीं है, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हमारी कैटेगरी की तरफ, स्कूल्स में भी ज़्यादातर मैंने खुद पढ़ा है काफ़ी स्कूल्स में, तो जहाँ तक मैंने फील किया है कि हम लोगों को कहीं पर भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, कहीं पर भी हम लोगों का नाम नहीं लिया जाता। मैं अपने स्कूल्स में जो सबसे ज़्यादा फेमस होता था वो नात पढ़ने में होता था, और काफ़ी जगह पे मैंने ऐसे देखा है कि मुझे रिजेक्ट किया गया और वहाँ पे ऐसे मतलब अदरवाइज लोगों को सिलेक्ट किया गया था, तो ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा कि वजह क्या है, बस इतना कहूँगा कि सपोर्ट करें आप हमें, मेरे वीडियोज़ को देखें, ज़्यादा दिल पर ना लें, ये किसी को हेट करने के लिए नहीं होते हैं, मैं जस्ट इन्जॉय करता हूँ इन वीडियोज़ को बना के और सोचता हूँ कि एक बड़ा इंसान बनूँ, जितने भी मुझे सपोर्ट करते हैं मैं उनका दिल से थैंकफुल हूँ, और जो लोग समझते हैं मैं आपको कहता हूँ आप मुझे सपोर्ट बाद में करें, मेरे वीडियोस बाद में देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझें मैं किसी के खिलाफ नहीं बनाता वीडियो, ना मुझे इस चीज़ का इंटरेस्ट है कि किसी के खिलाफ वीडियोस बनाएंगे। मेरे वीडियोस के नीचे कॉमेंट करें, जो भी यूट्यूबर है चाहे वो जिस गाँव से भी है, अभी लोकल यूट्यूबर है, तो वो मुझे कॉमेंट में बताए कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, अगर कॉमेंट नहीं कर सकता तो फेसबुक पर मुझे मैसेज करें, फेसबुक पर मेरी जो आईडी है वो यासू सकीना है, आप उसके उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे मैसेज करके मुझे बताएं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है उसमें, अगर मेरी तक होगा तो मैं आपकी बहुत सारी हेल्प करूँगा। तो ये एक चीज़ कहता हूँ कि सपोर्ट करें, क्योंकि हम अपनी कास्ट के लिए करता हूँ मैं। जहाँ तक बात पैसे की है तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसों की फ़िक्र नहीं रखता मैं, ना मैं पैसों की शौक़ रखता हूँ, ये अल्लाह का शुक्र है कि पैसा एक बुरी चीज़ है, इस ये तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो नाम इंसान कमाता है ये बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर मैं कुछ बनूंगा कल तक देखिए कितने मेरे फ्रेंड्स हैं, हम 5-6 लड़के हैं जो ये वीडियोस बनाते हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड हुए हैं वो 5-6 लड़के हैं, तो अगर हम सब जो हैं इसकी वजह से फेमस हो जाएंगे या इसकी वजह से घर चलेंगे या कुछ भी, तो ये हमारे कौम का ही नाम रोशन होगा, ये मेरा अकेले का नहीं होगा। अगर कहीं पर भी मेरा नाम लिया जाएगा ना तो साथ में लोग ये भी कहेंगे ये रकबरा का लड़का है, तो ये मेरे गाँव का नाम भी इसमें आता है, मैं अकेला नहीं हूँ। आगे जाके हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे, अभी तो कुछ टाइम हो रहा है, उसके बाद हम फिर से मूवीज़ बनाएंगे आपके कहने पे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तभी हम बनाएंगे, अगर नहीं लगते फिर हम शॉर्ट वीडियोस ही बनाएंगे। और सपोर्ट करें, आज ये वीडियो बनाने का बस इतना मकसद है कि सब्सक्राइबर 1K करा दें यार, 1K सब्सक्राइबर मेरे को जितनी जल्दी होंगे तो मेरा वॉच टाइम उतनी जल्दी ग्रो होगा, तो वॉच टाइम मेरा जो है वो बिल्कुल कम है अभी, मतलब 100% में से मेरा वॉच टाइम जो है वो कुछ 5% के आसपास हुआ है कंप्लीट, अभी बात ही नहीं है, बहुत सारा वॉच टाइम कम है, सब्सक्राइबर भी कम है, लेकिन 1K जो टारगेट है उसमें से तो 500 होने वाले हैं, तो ऐसे ही सपोर्ट करें और कंटिन्यूस हमारी वीडियोज़ को देखें, शॉर्ट वीडियोज़ देखने में इतना टाइम नहीं लगता, मूवीज़ देखने को टाइम लगता है और टाइम भी होना चाहिए, तो जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं वो आप जल्दी से देख सकते हो, तो शॉर्ट वीडियोस मेरे देखा करो और अपने प्यारे प्यारे कमेंट किया करो। तो गैस बहुत सारी बातें होगी आपके साथ, तो एक रिक्वेस्ट और करता हूँ आपसे कि जल्दी से 1K सब्सक्राइबर करा दो, देखो वॉच टाइम चढ़ने में बहुत टाइम लगता है,
तो 1K सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे तब मैं लाइव आ सकता हूँ। ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है कि YouTube चैनल पे तब तक आप लाइव नहीं आ सकते हैं जब तक आपके पास 1K सब्सक्राइबर ना हो। 1K सब्सक्राइबर होने के बाद मैं आपके साथ लाइव आ सकता हूँ, काफ़ी बातें शेयर कर सकता हूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस का जो है आंसर दे सकता हूँ आपको। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सपोर्ट अस। ये चीज़ें ना सोचें जो काफ़ी लोगों के माइंड में होती हैं। अगर मैं कुछ भी बनूँगा तो अपनी कौम का ही नाम रोशन होगा। देखिए आज वक्त ही ऐसा है, इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा टैलेंट की तरफ सब जा रहे हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी मेरे गुज्जर भाई ये वीडियो देख रहे हैं, खास तौर मैं गुज्जर भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि जब तक अपने साथ नहीं देते तब तक कोई साथ नहीं देता। तो एक चीज़ और बतानी है आपको, मैंने एक स्टोरी रखी थी फेसबुक पे, आस्क मी अ क्वेश्चन अबाउट माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल एंड मोर। एक भाई है, उसका नाम है उबैद अहमद, उसने लिखा है चाव छुक जू लगन, लव यू जिगर, थैंक यू फॉर दिस कमेंट। मैं आपका कमेंट पढ़ के बहुत खुश हुआ, लव यू। एक भाई और है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है फेसबुक पे, मेरा फ्रेंड है लुकवानन पागल, तो जिगर ने लिखा है आई एम योर बिग फैन, थैंक यू जिगर, लव यू। और इसी ने लिखा है कि अमेजिंग योर टैलेंट, थैंक यू जिगर। जुनैद डार एक भाई है, उसने लिखा है कीप इट अप ब्रो। ओके जिगर, आप मुझे सपोर्ट करें, मैं कंटिन्यू जो है अपने वीडियोस बनाऊंगा, सिर्फ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। एक और भाई है वीर जी, उसने लिखा है गुजरी ड्रामे बनाओ जनाब। देखो भाई, हम ये ड्रामे नहीं बना सकते हैं, हमें मूवीज़ को सपोर्ट नहीं मिल रही मेरे भाई, तो ड्रामों को कहाँ सपोर्ट मिलेगी। गुजरी ड्रामे बनाना जो है वो बहुत टफ़ है, इसलिए मैं नहीं बना पाता। उर्दू में भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं जब हम अपनी वीडियोस का शूट करते हैं, जब उर्दू करनी पड़ती है। तो अपनी लैंग्वेज इंसान कर सकता है लेकिन मैं गुजरी नहीं करता हूँ, सारी जिगर, मैं पहाड़ी लैंग्वेज करता हूँ। मैं गुजर लड़का हूँ लेकिन मैं पहाड़ी लैंग्वेज करता हूँ, तो गुजरी में ड्रामे बनाने हमारे लिए बहुत टफ है, इसलिए आई एम सॉरी जिगर। तो आप मेरी मूवीज़ देखो सिर्फ। एक और भाई है अभी भाई, ये तो जिगर लगता है, ब्लेस्ड अप जानी, तो विद योर प्रे जिगर, लव यू बहुत सारा और थैंक यू आपके क्वेश्चन के लिए। तो बशीर शेख एक दोस्त है मेरा, इसने लिखा है आपका क्या कहना भाई, तो मेरा ये कहना है कि लव यू। तो थैंक यू जिगर, आपने इतनी ज़्यादा सपोर्ट की। ये मेरे लिए 6 जो क्वेश्चंस हैं ये मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा टास्क बन गया था इसका आंसर देना, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहे जिगर। ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि जल्दी से मुझे 1K सब्सक्राइबर करा दो यार, मुझे लाइव आने का बहुत शौक है आपसे बातें करने का। लाइव आने में मेरा वॉच टाइम भी जल्दी ग्रो होगा, तो जितना टाइम मैं लाइव रहूँगा उतना मेरा वॉच टाइम जो है वो चढ़ेगा जल्दी। इससे पहले भी मैंने जब 50K व्यूज़ कंप्लीट हुए थे तब मैं वीडियोस बना सकता था, लेकिन सॉरी गाइस, उस वक्त टाइम भी नहीं था और हमारे पास रिंग लाइट भी नहीं थी, तो ये कुछ दिन पहले लाई, तो बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि ये वीडियो जो हम बनाते हैं, जो फेस टू फेस बातें करनी पड़ती है, बहुत टफ होती है यार। मतलब मैं जी बहुत टाइम हो गया, 2 साल हो गए मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि यार वाकई ये वाले वीडियोस बनाने बहुत टफ है, कि मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत सारा प्राउड फील करता हूँ कि मैं गुजर लड़का हूँ। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़।